हेलो दोस्तों, तो पार्ट प्रोग्रामिंग हम लोग सर्कुलर इंटरपोलेशन देख रहे हैं। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन में चलिए हम आपको एग्जांपल के ज़रिए और इसको क्लियर कर देते हैं। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन में क्या होता है, आपका एक कर्व होता है। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन जब भी आपको मशीनिंग करनी है एक सर्कुलर पाथ पे, किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर आपको मशीनिंग करनी है, तो ऐसे में क्या होता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन कोड यूज़ करते हैं। कोड हमने बताया है इसके लिए कौन कौन से कोड होते हैं। इसके लिए होता है आपका G02, जो कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, और G03 आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए है। तो अब आर्क को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अगर सर्किल है तो सर्किल का एक सेंटर होना चाहिए सी, और एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक एंड पॉइंट होना चाहिए और एक रेडियस। ठीक है, तो ये आपका रेडियस होगा और ये आपका एंड पॉइंट होगा। तो एंड पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हम ये आर्क बनाना स्टार्ट करेंगे, ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये रेडियस है और ये आपका सेंटर पॉइंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, दो तरीके से इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका कि सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट जो है आपका, इसके जरिए डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम आर्क को डिफाइन कर सकते हैं रेडियस और एंड पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आप होंगे, वो तो आपको पता होगा। तो उसके अलावा आपको दो पॉइंट और डिफाइन करने होते हैं, एक या तो आप सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दीजिए या रेडियस डिफाइन कर दीजिए, सेंटर पॉइंट और एक एंड पॉइंट, या फिर रेडियस और एंड पॉइंट। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक है आपका इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे है, आप मान लीजिए ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से आप मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट है। तो उसमें भी आपका इस तरीके से हम ले लेते हैं, इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो इस तरीके से हम ले लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट है आपका यहाँ पे 50, और 10 मान लीजिए, एक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक कर्व है आपका इस तरीके से, ये आपका कर्व। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं सेंटर कुछ इस तरीके से है, ये मान लेते हैं ये 20 है, ये 30 है, 40, 50 है, 60, 70, 80, 90 और ये 100 है। तो अब आपका क्या होगा, ये हो गया एंड पॉइंट, ये हो गया स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया सेंटर, और रेडियस आपका है 200, 20, रेडियस हम 20 ले लेते हैं, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। दूसरा एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी ले लेते हैं, मान लीजिए एक ये है 100 से, इस तरीके से ले लेते हैं इसके लिए भी। तो इसके लिए एक एग्जांपल, इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये हो जाएगा, उसी तरीके से एक मान लेते हैं 20 पे है, यहाँ सेंटर एक सी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मान लेते हैं ये है, तो इसके लिए सब सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, 30, 50, एक्स डायरेक्शन में 30 मूव कर रहे हैं और वाई डायरेक्शन में आप 50। ठीक है,
तो ऐसे में जब डिनोट करते हैं सेंटर पॉइंट को डिनोट करने के लिए, तो एक्स के लिए आई यूज़ करेंगे 30 और जे यूज़ करेंगे 50, ठीक है। इस तरीके से अब इस आर्क को डिफाइन कर लेंगे। ये आपका हो गया एब्सोल्यूट। अगर आप इसको एब्सोल्यूट में चेंज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीमेंटल होता है, तो इंक्रीमेंटल बाय डिफॉल्ट का अगर आप बाय डिफॉल्ट ही चलना चाहते हैं तो आपको इंक्रीमेंटल, यानी कि अगर मान लीजिए आपने मशीन की, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे होंगे, तो यहाँ से अब इंक्रीमेंटल यानी कि यहाँ से अब कोऑर्डिनेट आप मेजर करेंगे, तो यहाँ से मेजर करेंगे तो सी पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस में आई जो होगा वो -20 होगा, यहाँ के रिस्पेक्ट में हम इधर जा रहे हैं तो माइनस में 20, और अब यहाँ के रिस्पेक्ट में क्या है कि ये वाई में तो मूव किए नहीं, तो वाई आपका क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका इंक्रीमेंटल मोड में है, जो कि बाय डिफॉल्ट यही होता है, ठीक है। ये आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, यानी प्री सेटिंग पहले से सेटिंग रहेगी, तो उसमें आपका इस तरीके से दिया रहेगा R20, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तो ऐसे में अब मान लेते हैं इसके लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो आपका वास्तविक निर्देशांक है, तो वास्तविक निर्देशांक में अगर हम तो अब हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट यानी कि वास्तविक निर्देशांक में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, मान लेते हैं सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में हम अगर हम कोडिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट 10,15, एक्स में 10, वाई में 50, इस तरीके से हो जाएगा। एंड पॉइंट एंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 30 और 70, 30 पे गया और 70 पे चला गया, ये पॉइंट एंड पॉइंट हो गया, और सेंटर पॉइंट सी सी जो है वो एब्सोल्यूट में, ठीक है, एब्सोल्यूट के लिए आपको सेटिंग करनी होगी तब जाके आप एब्सोल्यूट में कर पाएंगे। तो एब्सोल्यूट में आपका क्या हो जाएगा, 30,50, ठीक है। एब्सोल्यूट में हम यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, ठीक है। इंक्रीमेंटल में हम जिस पॉइंट पे होंगे वहाँ पे ओरिजिन मान के हम डिसाइड करेंगे। तो इस केस में ये हो गया आपका, ये आई हो गया, ये जे हो गया, इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, और रेडियस जो है वो आपका 20 है, ठीक है। तो ये आपका बाय फिगर ए से आपका हो गया। अब फिगर बी की तरफ चलते हैं, अब फिगर बी में देख लेते हैं। बी में आपका इंक्रीमेंटल है, तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में क्या होगा, आपका होगा स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्रीमेंटल में स्टार्टिंग पॉइंट, आप इसको तो जो लेके चल रहे हैं वो लेके चलेंगे, लेकिन सी के लिए इंक्रीमेंटल है, ये केवल और केवल आपका सेंटर पॉइंट के लिए है, ठीक है। इंक्रीमेंटल मोड केवल और केवल सेंटर पॉइंट के लिए रखा गया है, बाकी आपका एब्सोल्यूट सिस्टम है जो आप G71 या फिर G90 इस तरीके से आप उसको सेलेक्ट करते हैं, उस समय आप
यहाँ पे एब्सोल्यूट सेलेक्ट किए रहेंगे तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट आपका एस होगा और ई जो होगा वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में ही होगा। तो एस के लिए आप ये 100 है तो 100 ले लेते हैं और ये आपका 50 है। वाई में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया 100 50, एंड पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स में आपका मान लेते हैं 80 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये 80 और ये 70, तो 80 हो गया और 70 हो गया। और सेंटर पॉइंट ये आपका इंक्रीमेंटल में है। जब आप सीएनसी यूज़ करेंगे तो उसमें आपका ये इंक्रीमेंटल यूज़ होगा, तो उस केस में ये हो जाएगा -20, 0, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव है, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस केस में आपका इंक्रीमेंटल -20, 0 है। तो ऐसे में क्या हो गया, अगर इसके लिए फिर प्रोग्रामिंग अगर करते तो क्या हो जाता, जी 0 क्या हो जाएगा। आप इसके लिए मान लीजिए ये तो एब्सोल्यूट है, इंक्रीमेंटल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो डिफ़ॉल्ट वाले को ही लेके चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी 0 3 होगा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो G03 एक्स। हम पहले क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, इंड पॉइंट एक्स कहाँ होगा 80 और वाई 70, ठीक है। इंड पॉइंट है आपका 80 70, ठीक है। इंड पॉइंट ये दे दिया आपने और सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, आई -20 J 0। बाकी फीड अगर जो भी जितना भी दे रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, उसके बाद इंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका इंड पॉइंट है और ये आपका सेंटर है। दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो एक हम ये भी लिख सकते हैं कि G03, अगर रेडियस फॉर्म में लिखना हो तो G03 इंड पॉइंट हमें ज़रूरत होगी 80 और वाई डायरेक्शन में 70 और रेडियस हमारा होगा 20, ठीक है। इंड पॉइंट सेलेक्ट किया और फिर 20 आपका रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस दे दिया और आपका अगर फीड दे रहे हैं तो फीड आपका हो गया इस तरीके से इंड ऑफ ब्लॉक। तो इस तरीके से ये दो तरीका है आपका रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब एक प्रोग्रामिंग का हम एक एग्जांपल ले लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका एंड पॉइंट सेंटर पॉइंट है और इसमें एंड पॉइंट और ये आपका रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस है और ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इस्तेमाल करना है जो भी कोऑर्डिनेट है। और इसके बाद फिर हम एक प्रोग्रामिंग के ज़रिए इसको बता देंगे किस तरीके से आपका पहले लेथ किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।